और रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट में आवास मंजूरी को चुनावी स्टंट बताया है। सरकार इतने दिनों से क्या कर रही थी, चंदेल ने सवाल किया है। सरकार ने 16 लाख परिवारों को आवास से वंचित किया, इसका भी आरोप लगाया है। चंदेल के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार भी कर दिया है। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, बीजेपी उद्योगपति मित्रों के लिए काम करती है, ये भी बयान पर पलटवार आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं रायपुर से, जहां कैबिनेट में आवास मंजूरी को चुनावी स्टंट बताया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सरकार इतने दिनों से क्या कर रही थी, नारायण चंदेल ने पूछ लिया है। सरकार ने 16 लाख परिवारों को आवास से वंचित क्यों किया, पूछ लिया है। और जैसे उन्होंने पूछा, चंदेल के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं और बीजेपी उद्योगपति मित्रों के लिए काम करती है, हमें लगा कि फैसला लेना चाहिए, इसलिए फैसला लिया गया। कैबिनेट में आवास मंजूरी को चुनावी स्टंट भी बताया गया है।